कितना अच्छा होता कि हमारे घर के सारे डिवाइसेस रिमोट कंट्रोलिंग से ऑपरेट होता। दोस्तों, मैं आज कुछ इसी तरह से रिमोट कंट्रोलिंग का एक सर्किट बनाने बताऊंगा जिसमें से रिमोट कंट्रोलिंग या सर्किट वर्क करेगा। और जब आप रिमोट यहाँ पे कुछ 8 मीटर दूर से या 7 मीटर दूर से भी रिमोट प्रेस करेंगे कोई भी बटन, तो स्पीकर में कुछ आवाज़ आएगी और एक LED में कनेक्ट करने बताऊँगा, वो LED जलेगी। तो वो कैसे मतलब बताऊँगा, बने रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए इस वीडियो को अंत तक। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें चाहिए एक इंफ्रारेड सेंसर, जो कि इंफ्रारेड सेंसर आप पुराने ब्लूटूथ पैनल से निकाल सकते हैं, जो कि मैं उसी से निकाला हूँ। जो ये जो इंफ्रारेड सेंसर होता है दोस्तों, कुछ इस जगह पर होता है यहाँ पर। और इसको बनाने के लिए दोस्तों हमें चाहिए एक LED जो कि 3 वोल्ट का है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये 3 वोल्ट का LED है। और दोस्तों, इसके अलावे हमें चाहिए एक स्पीकर जो कि इस साइड है, मेरे लेफ्ट साइड है। और एक चाहिए हमें ट्रांजिस्टर, जो कि ट्रांजिस्टर का वैल्यू है दोस्तों 8550। और इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका सर्किट डायग्राम जो कुछ इस प्रकार से। इस सर्किट डायग्राम को समझाने से पहले मैं आप लोगों को इस ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा समझा दूँ। 8550 का ये ट्रांजिस्टर है और इसका कुछ इस प्रकार से फ्रंट में रखने के बाद, देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया हूँ। और इसका जो फर्स्ट पिन है वो है इमीटर, सेकेंड पिन है बेस एंड थर्ड पिन है कलेक्टर। तो और ये तो यहाँ पर हम लोग तीनों बेस का इंट्रोडक्शन हो गया। और इसका जो है सिम्बॉल है इस ट्रांजिस्टर का, ये ट्रांजिस्टर है PNP। इस PNP ट्रांजिस्टर का ये जो डायरेक्शन है दोस्तों, यही डायरेक्शन हम लोगों को दिखाता है PNP ट्रांजिस्टर है या NPN ट्रांजिस्टर है। इसका साइन इधर से है, मतलब कि ये PNP ट्रांजिस्टर है, जिसमें से ये और जिस साइड ये होता है दोस्तों, ये साइन वो वाली पिन हमारी इमीटर की होती है। और ये जो है दोस्तों, ये है बेस का वायर और ये है हमारा कलेक्टर का वायर। और ये है हमारा इंफ्रारेड सेंसर, कुछ इस प्रकार से फ्रंट व्यू में हमें रखना है। और ये स्पीकर और एक LED। LED का पॉजिटिव इस साइड है, नेगेटिव इस साइड है। आप लोगों को LED का पॉजिटिव नेगेटिव पता होगा। तो इसको वायरिंग करना चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको देखिए, फ्रंट व्यू में कुछ इस प्रकार से रखना है हमें इस इंफ्रारेड सेंसर को, और हमारे ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर के इमीटर को रखना है। ट्रांजिस्टर का इमीटर दोस्तों देख सकते हैं आप, यहाँ पर पहली वायर है, तो पहली वायर को कुछ हमें इस प्रकार से यहाँ पर रख लेना है। इसको इस प्रकार से यहाँ पर रखने के बाद दोस्तों, हमें इन दोनों को सोल्डिंग कर देना है आपस में। और सोल्डिंग करने के बाद हमें और एक भी एक चीज की जरूरत होगी, जो कि हमारा जम्पर वायर। जम्पर वायर जोड़ने के लिए हमें कुछ एक जगह एक वायर से दूसरे वायर में कनेक्शन करने के लिए जम्पर वायर यूज़ करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे मैं इसके इमीटर को यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर दिया दोस्तों, डायग्राम में जो जिस प्रकार से था, देखिए इसका इमीटर था और इसके तीसरी वायर में था, तो तीसरी वायर में मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया हूँ। और इसका इमीटर पहली वायर थी, तो यहाँ पे मैं सोल्डिंग कर दिया। उसके बाद से आप देख सकते हैं इसका जो बेस वायर है, इसके बेस वायर को हमें सोल्डिंग करना है यहाँ में से। इसका जो बेस वायर है बीच वाली वायर में से हमें सोल्डिंग करने हैं यहाँ पर, पहली वायर, इसके पहली वायर में। तो वो भी मैं सोल्डिंग कर लेता हूँ। इसको सोल्डिंग करने के लिए हम यूज़ करेंगे एक वायर का, जो कि मैं एक्स्ट्रा आप कहीं से भी ये वायर जो है ले सकते हैं। प्रोग्राम के अनुसार इस ट्रांजिस्टर के बेस से हमें कनेक्ट करना था इसके पहली वायर में, तो कुछ इस प्रकार से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर लिया हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसका जो पहला वायर था उसको कनेक्ट करना था इसके बेस से, तो वो मैं कनेक्ट कर लिया। उसके बाद से इसका जो हमारा कलेक्टर वायर है दोस्तों, उसको हमें कनेक्ट करना है LED के पॉजिटिव वायर से। तो LED के पॉजिटिव वायर में इसके कलेक्टर वायर को मैं सोल्डिंग कर देता हूं। तो दोस्तों, इसके पॉजिटिव वायर को मैं यहां पे सोल्डिंग कर दिया हूं, इस LED के पॉजिटिव वायर को। उसके बाद से इसके नेगेटिव में हमें सोल्डिंग करना है, इस LED के नेगेटिव में सोल्डिंग करना है एक स्पीकर के वायर को। तो ये जो स्पीकर का वायर है मेरा, इस स्पीकर के वायर को एक मैं सोल्डिंग कर देता हूं। तो इसको भी यहीं पे हमें बैठाना है, तो उसको भी यहीं पे मैं बैठा देता हूं आराम से। ये भी सोल्डिंग हो गया दोस्तों, तो ये सोल्डिंग हो गया यहाँ पे। उसके बाद से एक जो दूसरे वायर बचा हमारा स्पीकर का, उसको हमें सोल्डिंग करना है इसके बीच वाले पिन में। देख सकते हैं आप यहाँ पे, इसके बीच वाले पिन में, इंफ्रारेड सेंसर के बीच वाले पिन में, मतलब कि इस जगह पे हमें इस जगह पे बीच वाले पिन में। तो इसके बीच वाले पिन में मैं इधर से इसको मोड़ लेता हूँ, उसके बाद से यहाँ पर इसको सोल्डिंग कर देता हूँ। दोस्तों ध्यान रहे कि सर्किट को सोल्डिंग करने में आप लोगों को कहीं बीच में वायर कहीं टच ना हो। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया, आप देख सकते हैं इस सर्किट को
कुछ इस प्रकार से मैं सोल्डिंग किया हूँ, ठीक है। और फ्रंट भी इसका कुछ इधर से है, कुछ इस प्रकार से है। उसके बाद से अब हमें कनेक्ट करना है इसका सोर्स। सोर्स हम मैं दे रहा हूँ दोस्तों 5 वोल्ट का, जो कि मैं पुराने चार्जर से दे रहा हूँ। इसका चार्जर का पॉजिटिव वायर है ये और नेगेटिव वायर है ये। तो इसका पॉजिटिव वायर हमें कनेक्ट करना है इसके जो थर्ड वायर है उसमें, मतलब कि इसमें हमें सोल्डिंग करना है इसका पॉजिटिव वायर। जो चार्जर है 5 वोल्ट इसमें इनपुट देना है, तो इसके पॉजिटिव वायर को इसमें हमें सोल्डिंग करने हैं। तो मैं इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देता हूँ, और ये सोल्डिंग करने के बाद इसका नेगेटिव बैटरी का जो नेगेटिव वायर है उसको हमें सोल्डिंग करना है इसके बीच वाले पिन में। तो इसके बीच वाले पिन जो है वो हमारा इसका है, जो स्पीकर का दूसरे वायर हम लोग कनेक्ट किए थे, मतलब कि बीच वाले पिन में। यहाँ पे मैं इसको भी सोल्डिंग कर देता हूँ। उसके बाद से ये हमारा सर्किट भी और सारा चीज़ ये रेडी हो चुका है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका सर्किट कुछ इस प्रकार से मैं वायरिंग कर लिया हूँ। एक बार फिर से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो स्पीकर का वायर है ये दोनों दोस्तों, और ये है हमारा सोर्स जो कि 5 वोल्ट इनपुट इसमें हमने दिया है। पॉजिटिव वायर ये है वाइट वायर, और ये है नेगेटिव वायर। पॉजिटिव वायर को मैं कनेक्ट किया हूँ इसमें से, यहाँ पे देख सकते हैं इसका तीसरा वायर जो है उसमें सोल्डिंग किया हूँ, और इसका नेगेटिव वायर जो है सोर्स का नेगेटिव वायर इसके बीच वाले वायर में सोल्डिंग किया हूँ। और इसका जो एक फर्स्ट वाला वायर जो है उसको सोल्डिंग किया हूँ मैं इस ट्रांजिस्टर के बीच वाले वायर में, और तीसरा जो पहले वाले वायर है इमीटर उसको मैं यहाँ पे सोल्डिंग किया हूँ, और इसका कलेक्टर में सोल्डिंग किया हूँ एक एलईडी का पॉजिटिव को, और एलईडी का नेगेटिव जो बच गया उसको स्पीकर के दूसरे वायर से कनेक्ट कर दिया। और ये मेरा सर्किट जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब ये वर्किंग कंडीशन में है, अब दिखाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। देखिए यहाँ पे मैं रिमोट को दबाऊंगा, देखिए कुछ ये इस प्रकार से काम करता है। आप कोई भी बटन दबाएंगे तो इसी प्रकार से यह वर्क करता है, और इधर से कोई भी बटन आप दबाएंगे, कोई भी बटन आप प्रेस करेंगे तो कुछ इसी प्रकार से यह वर्क करेगा दोस्तों। आप इसको मैं मेजर किया हूँ 7 से 8 मीटर तक यह वर्क करता है। मैं इसको देख लिया हूँ कितना से कितना दूरी तक यह मेजर करता है, ठीक है। देखिए अगर आप कुछ इसको लॉन्ग टाइम तक प्रेस करके रखेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से वर्क करता है दोस्तों। आई होप ये प्रोजेक्ट आप लोगों को समझ में आया होगा और पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अगर ये वीडियो भी अगर आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो भूलिए ही मत। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। अगर दोस्तों इसका ER ग्रेट यूट्यूब चैनल का बिहाइंड सीन देखना चाहते हैं तो आप विजिट कीजिए बिहाइंड ER ग्रेट यूट्यूब चैनल। मैं एक क्रिएट किया हूँ जहाँ पर आप बिहाइंड ER ग्रेट चैनल का देख सकते हैं, या फिर अगर आपको ब्लॉगिंग वीडियोस मेरा चाहिए तो आप देख सकते हैं वहां पे विजिट करके। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।